सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस समय वाशी स्टेशन पे हूँ और मैं जा रहा हूँ एनएफएल का एग्ज़ाम देने। और मैं आपको आज थोड़ा रिव्यू वगैरह दूंगा एनएफएल एग्ज़ाम देने के बाद। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे नवी मुंबई में, मैं हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में। नवी मुंबई का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ये देखो, ये स्टेशन है पीछे जो मेरे दिख रहा है, ये मुंबई का स्टेशन है जो मैं पूरा वाइट कलर का दिख रहा है ना पीछे, ये सारा स्टेशन है। मैं एक बार फिर से अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं सामने, ये सब भाई स्टेशन है। मैं तो खुद ही शौक हो गया था, शौक क्यों हो जाऊँगा, ये तो मैं देखते ही रहता हूँ। ये पूरा स्टेशन है, आपको जूम करता हूँ। देखो ये सो अभी चलते हैं, ये पूरा व्यू देख लो आप, उसके बाद अब चलते हैं एग्ज़ाम देने। यहाँ पे बसेज खड़ी हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मुंबई मीन्स ट्रैवलिंग सिस्टम अच्छा होता ही है। सो इट्स ओके, चलते हैं फिर। आफ्टर कमिंग टू द वाशी, अभी हम लोग चल रहे हैं। ये देखो, ये है पूरा यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब आने के बाद, मतलब फॉरन जैसा लुक आता है। और सो मैं रिक्शा लूँगा और रिक्शा लेने के बाद चलूँगा। लाइन लगी हुई है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सो देन ओनली वी गो। सो फाइनली मैंने एग्ज़ाम दे दिया और कई क्वेश्चन तो 150 थे मेरे, और एक मार्क के एक ही क्वेश्चन थे और नो नेगेटिव मार्किंग थे इस समय। और हालांकि पेपर तो अच्छा था बट केमिस्ट्री से तो निल वाई सिल कुछ भी नहीं था, एज भी नहीं था। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कह सकते हैं केमिस्ट्री से था, जैसा कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम था बट लेकिन नाम नाम ही था। और उसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड टेस्ट के थे और बचा मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री के कुछ गिने चुने 10-5 आ गए क्वेश्चन। और कोशिश किया हूँ, पेपर अच्छा ही गया है और पेपर मतलब काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते ये है कि अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं तो आधा घंटा नींद भी मार लिया उस एग्ज़ाम हॉल में, 1.5 घंटे में पेपर ख़त्म हो गए थे, 2 घंटे का टाइम दिया था तो आधा घंटा आराम से सो गया। सो मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के मतलब क्वेश्चन थे और एप्टीट्यूड टेस्ट के भी, दिस ऑल द क्वेश्चंस। और मैंने अभी अच्छे से किया है, देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। फिलहाल ठीक है, बाय बाय।